वेलकम बैक ग्रैंडिया। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट अब तक पहुंच सके, और साथ में ही दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जो आज का हमारा ट्यूटोरियल है वो एक इफेक्ट है, जो लेटेस्ट इफेक्ट है सैम कोल्डर लाइक पैन मास्क इफेक्ट। पैन मास्क इफेक्ट के बारे में बात करेंगे सैम कोल्डर। तो चलिए कैसे क्रिएट करना है, अभी जो आपने देखा कि किस तरह से पैन और साथ में मास्किंग फैदर इफेक्ट है कैसे क्रिएट करना है, आइए दोस्तों। तो सबसे पहले इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपके पास जो भी फुटेज है उसके दो क्लिप होने चाहिए, जैसे वन और टू। इसके बीच में हम वो मास्क फैदर इफेक्ट को यूज करेंगे, वन और टू के बीच में जब चेंज होगा। अभी ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अभी हमारे जो फुटेज है वो वीडियो वन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों फुटेज वीडियो वन पे है। एक फुटेज को आपने ऊपर करना है वीडियो टू पे, एक को वीडियो वन पे। तो थोड़ा सा फुटेज इसके नीचे कर देना दोस्तों, एक दूसरे के कितने 5 से 6 टो, जैसे करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप हम इस इफेक्ट को रखेंगे। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, आपने इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाना है, यहां पे आपने क्लिप सेलेक्ट करना है अपना सबसे पहले। तो यहां पे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, स्केल पोजीशन रोटेशन एंकर पॉइंट ऑप्सिटी स्पीड। आपने क्या करना है, ऑप्सिटी के अंदर बॉक्स, ये मास्किंग टूल है, बॉक्स वाला टूल लेना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, फैदर को एक बार जीरो कर देना है, फैदर मतलब फ्लॉ। अब क्या करना है दोस्तों, इस पैनल को बाहर लेके आना है और यहाँ पे इन्वर्टेड पे क्लिक करना है दोस्तों। इन्वर्टेड पे क्लिक करते ही आपका फुटेज कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे अपना मास्क जो पैनल है, मास्क टूल यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे रखना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो बिल्कुल नीचे करेंगे। ओके, अब क्या करना है दोस्तों, आपने यहां से मास्क पाथ को ऑन करना है, टूगल एनिमेशन। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप पे जाके क्या करेंगे आप, यहां से इसको पकड़ना है, इस तरह से आगे ले जाना है। सॉरी मैं बैक करता हूं एक बार, कंट्रोल जेड कर दिया है। सबसे पहले यहां से फुटेज को पकड़ना है अपने जो मास्क है, इस तरह से आप यूज करेंगे। एक बार मैं क्लिप प्ले करके दिखाता हूं, तो कुछ दोस्तों इस तरह का आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं। प्ले करके दिखाता हूं। अब क्या करना है दोस्तों, सिर्फ आपने यहां से मास्क फैदर को बढ़ा देना है दोस्तों, जितना आपको मास्क फैदर चाहिए आप उतना बढ़ाते जाएंगे। मैं कर देता हूं 100। अब मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो जितना चाहे आप इसे स्लो कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। स्लो करने के लिए क्लिप को थोड़ा बढ़ा देंगे और मास्क फैदर को भी बढ़ा देंगे। यहां से अपना जो मास्किंग की है, की फ्रेम्स है, इसे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो मैं प्ले करके दिखाता हूं, ये थोड़ा स्लो होगा, पहले थोड़ा फास्ट था, तो देख सकते हैं दोस्तों आप इसे किसी भी एंगल से मास्क कर सकते हैं। एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूं, आप इसे ऊपर से नीचे तक या साइड से इस तरफ भी मास्क लगा सकते हैं, आप किसी भी एंगल से मास्क लगा सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि एक पैन मास्क फैदर इफेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।